हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अपना चैनल रिव्यू रिवील। जैसे कि आपने हमारे थंबनेल को देखा, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि यदि आपके पास वीवो का कोई भी हैंडसेट है, खास करके आपके पास यदि वीवो का वाई सीरीज का हैंडसेट है, जैसे कि Y20, Y20i या फिर आपके पास Y15 है, 17 है, Y12 है, Y90 है या फिर Y90i है या फिर Y95 है या फिर Y91 है या फिर Y93 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई सीरीज के आपके बहुत सारे स्मार्टफोन वीवो के अंदर आते हैं और उनमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि उनके यदि स्मार्टफोन लॉक हो जा रहे हैं तो उसे अनलॉक करना एक बहुत बड़ा टास्क है। जी हाँ फ्रेंड्स, खास करके हमारे कमेंट सेक्शन में यदि आप देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे कमेंट मिलेंगे जहां पे वीवो के वाई सीरीज के स्मार्टफोन के पासवर्ड को तोड़ने के लिए मुझसे पूछा गया है। बिल्कुल आसान है यदि आप जानते हैं, तब यदि नहीं जानते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टफ काम है। लेकिन दिक्कत यह है कि वीवो के वाई सीरीज के अलावा आपके पास यदि वीवो का कोई भी हैंडसेट है तो आप उसे सेम इसी ट्रिक से अनलॉक कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम और बिना कोई कंप्यूटर। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप अपने वीवो के हैंडसेट को कैसे अनलॉक करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, यदि हमारे वीडियो की हेल्प से आपका हैंडसेट अनलॉक होता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियोज आपकी कितनी हेल्प करती है। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो में आगे कि कैसे आप अपने हैंडसेट को अनलॉक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक वीवो का हैंडसेट है और ये लॉक है, जैसा कि आप यहाँ लाइव देख सकते हैं, और ये अनलॉक नहीं हो पा रहा है। इसका जो ऑनर है उन्होंने इस फ़ोन को मेरे पास दिया है ताकि मैं उनके इस हैंडसेट को अनलॉक करके उनको वापस दे सकूं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं वीवो के हैंडसेट मार्केट में बहुत अच्छे सिक्योरिटी फीचर के साथ आते हैं, जिस कारण से वो हमेशा की तरह लॉक हो जा रहे हैं। हल्के से भी इसके सिक्योरिटी फीचर को हैक करने से या छेड़छाड़ करते हैं तो आपके वीवो के हैंडसेट लॉक हो जा रहे हैं। कोई बात नहीं है, आप उसे अनलॉक करना सीख पाएंगे बिना कोई प्रॉब्लम। तो अब करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वीवो का हैंडसेट है और इसे अनलॉक करना है। कैसे अनलॉक करेंगे भैया? इसे अनलॉक करने के लिए आपको, जो आप देख रही है इसका लॉकिंग डिस्प्ले है, इसमें आपको पिन पैटर्न पासवर्ड आपसे मांगा जा रहा है। फिलहाल यहाँ पासवर्ड मांगा जा रहा है, कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे कोई सा भी गलत पासवर्ड आपको डाल के बार बार ट्राई नहीं करना है, वरना आपका हैंडसेट पहले कुछ सेकंडों के लिए, फिर कुछ मिनटों के लिए और बाद में कुछ घंटों और दिनों के लिए वो लॉक हो जाएगा परमानेंटली। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा वीवो के सर्विस सेंटर, जहाँ वो आपसे बड़े आराम से 500 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक ले लेंगे। साथ में आपके हैंडसेट को फॉर्मेट भी मार देंगे, आपका डाटा भी लॉस हो जाएगा। तो अपने उन पैसों को बचाइए और मेरे बताए गए तरीके को सीखिए, कंप्लीट सीखिए, ताकि आप भी आगे से बिना सर्विस सेंटर के अपने हैंडसेट को अनलॉक कर पाएं। तो करना क्या है उसे ध्यान से देखिए। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका लॉकिंग डिस्प्ले है, इसमें हमें खोजना है इमरजेंसी कॉल्स वाला ऑप्शन जो कि नीचे आपको देखने को मिल रहा है। इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही इसे यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे एक इमरजेंसी कॉल्स ओनली का ऑप्शन आपको ओपन हो जाता है, जिसके थ्रू आप अपने हैंडसेट को किसी भी कॉल, मतलब कहने का मतलब इमरजेंसी कॉल्स कर सकते हैं, जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस। तो आपको यहाँ पे उनको फ़ोन नहीं करना है, सीधे आपको यहाँ पे एक कोड डालना है जो कि मैं यहाँ बताने वाला हूँ। इसे ध्यान से देखिए, वो कोड है *#899#। जैसे ही हम यहाँ पे हैच को क्लिक करेंगे आपके हैंडसेट का इंजीनियर मोड ऑन हो जाएगा और इसके थ्रू आपका हैंडसेट अनलॉक होगा। जैसा कि इसका नाम से आप समझ सकते हैं इंजीनियर मोड का काम क्या है। इंजीनियर मोड का मतलब ही होता है कि अपने हैंडसेट में कोई सी भी इंजीनियरिंग करना, मतलब कि यदि आपके हैंडसेट को पूरा चेंज करना है इंटरफेस को, आप यहाँ से कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को बदल सकते हैं। फिलहाल उसके बारे में हम बात करेंगे किसी और दूसरे वीडियो में, फिलहाल हम यहाँ पे इसे अनलॉक करने के बारे में ही सिर्फ बात करेंगे। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन खोजना है जिसका नाम है मैनुअल टेस्ट, तो उसे हम यहाँ क्लिक करेंगे। इसे जैसे उसे क्लिक करते हैं आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा बिल्कुल इस तरह से, लेकिन आपको यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन आपको क्लिक नहीं करना है, सीधे इस तरह से राइट स्वाइप करना है और चले जाना है सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जो कि अदर का पेज है, और हम यहाँ अदर वाले पेज पे पहुँच गए हैं। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जो आप जितने भी ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ आपको तीन ऑप्शन पे ध्यान देना है। पहला है की स्टेटस, दूसरा है मेन बोर्ड वर्सन और तीसरा है रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर।
मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नंबर 4 पे ऑप्शन है मेन बोर्ड वर्सन, इसका वर्सन है V1.1। इसका मतलब कि आप भी अपने लॉक हुए हैंडसेट में से चेक करिए, यदि वहाँ भी इसका वर्सन V1.1 है कोई दिक्कत नहीं, आपका हैंडसेट अनलॉक हो जाएगा। यदि इससे अलग है तो आपका हैंडसेट अनलॉक नहीं होगा। आपको करना क्या है, अपने मेन बोर्ड वर्सन को अपडेट करके आपको चेंज करना होगा वर्सन V1.1 में। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे यह है कि हर एक वीवो के हैंडसेट का अलग अलग मेन बोर्ड वर्सन होता है, तो और उसे अपडेट करने का तरीका भी अलग अलग है। तो मैं इस वीडियो में सारे तरीके को कवर नहीं कर सकता, वरना वीडियो लगभग 10 घंटे की बन जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट में बताइए कि आपका मेन बोर्ड वर्सन क्या है और आपका हैंडसेट वीवो का कौन सा है, ताकि हमारी टीम आपको रिप्लाई दे, वो भी मात्र 10 सेकंडों में, और उसके हेल्प से आप अपने मेन वर्सन को चेंज करके वर्सन V1.1 में अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल हम यही मान के चलेंगे कि आपका मेन वर्सन V1.1 है या ऑलरेडी आपने हमारे हेल्प से उसे अपडेट कर लिया है। तो आगे क्या करना है, आगे आपको इस मेन वर्सन को टोटल 3 बार क्लिक करना है कंटिन्यूसली। तो चलिए इसे क्लिक कर देते हैं 1, 2, 3। जैसे इसे 3 बार क्लिक करते हैं आपके हैंडसेट का मास्टर अनलॉकिंग मोड एक्टिवेट हो जाता है। अब उसे चेक करेंगे कि हमारा अनलॉक हुआ कि नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे अनलॉक कहने का मतलब आपका मास्टर अनलॉकिंग मोड ऑन हुआ कि नहीं हुआ, उसे चेक करने के लिए हम लास्ट वाले ऑप्शन को यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ हमें पास लिखा हुआ मैसेज आ गया, मतलब हमारा मास्टर अनलॉकिंग मोड ऑन हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। अब आपके हैंडसेट को सिर्फ अनलॉक करना बाकी रह गया। तो इसे बैक करेंगे और इसके जो सबसे लास्ट का जो हमारा स्टेप है वो है की स्टेटस, इसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं आपके हैंडसेट का लगा हुआ सारा पिन, पैटर्न, पासवर्ड, फेस लॉक, फिंगरप्रिंट सारा आपका क्रैक हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे सारे की यहाँ पे पास हो चुके हैं, बस एक को छोड़ के जो कि है SDCP की नॉट सपोर्ट, और इसका मतलब ही होता है आपके हैंडसेट में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि फिलहाल इस हैंडसेट में नहीं है। यदि होता तो ये भी यहाँ पे अनलॉक हो जाता। तो फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं हमारा सारा की यहाँ पास है, मतलब हमारा हैंडसेट अनलॉक हो चुका है। अब बारी आती है क्रॉस चेक करने की कि क्या हमारा हैंडसेट अनलॉक हुआ या नहीं हुआ। तो चलेंगे बैक करेंगे और चलेंगे इसके होम स्क्रीन पे। और फ्रेंड जैसे कि आपने देखा हमारा हैंडसेट वीवो का अनलॉक हो चुका है बिना कंप्यूटर और बिना किसी एक्स्ट्रा सोर्सेस के। और जहां तक बात करूं मेरी डाटा की, तो हमारा सारा एप्लीकेशन अभी भी मौजूद है। इट मीन्स कि हमारा हैंडसेट भी अनलॉक हो गया और हमारा डाटा भी लॉस्ट नहीं हुआ। तो आप भी इसी सेम तरीके का इस्तेमाल करिए और अपने वीवो के हैंडसेट को अनलॉक करिए। आपका वीवो का कोई भी हैंडसेट हो अनलॉक हो जाएगा। यदि नहीं हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट में बताइए कि आपका मेन बोर्ड वर्सन क्या है और आपका वीवो का कौन सा हैंडसेट है, ताकि हमारे रिप्लाई के हेल्प से आप भी अपने हैंडसेट को अनलॉक कर पाएं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो में एक नए तरीके के साथ। फिर इसी तरह से देखते रहिए रिव्यू रिवील्ड।